केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश विच सेहत सहूलतों सारयां लई पहुंचण योग बनाउण लई काम कर रही है। वाराणसी में चल रही दो रोज़ा यूनीवर्सल हैल्थ सर्विस नैशनल कॉन्फ्रेंस में बोलदिया उन्होंने कहा कि कौमांतरी कॉन्फ्रेंस दौरान होने वाली चर्चा मगरों सामने आने वाले नतीजे केंद्र और राज्य सरकारों वालों सकारात्मक ढंग नाल लागू किए जाएंगे। मांडविया ने कम्यूनिटी हैल्थ अफसर का कोविड महामारी दौरान निरस्वार्थ सेवा और ड्यूटिया नाल उन्हां दा धन्नवाद किया। विचार विमर्श करके आने वाले दिनों में हमारे देश में हम हेल्थ को कैसे एक्सेसिबल करें, हेल्थ को कैसे अफोर्डेबल करें और हेल्थ को कैसे यूनिवर्सल करें, उस दिशा में गहरा चिंतन और मनन करेंगे। एक ऐसा उपक्रम है जो एक नया भारत का दिशा निर्देश भी है। केवल क्या भारत सरकार की ओर से हम कोई विषय तय करें और उसका इम्प्लीमेंटेशन देश में करने की कोशिश करें तो क्या हम सचमुच समय पर सफल हो सकते हैं? क्या केवल राज्य की ओर से ही प्रयास हो या तो जिस प्रयास जिसके लिए हो रहा है और जिसके द्वारा हो रहा है ऐसे मेरे सीएचओ के द्वारा ही प्रयास हो? जी नहीं, हमें कोई गोल को अचीव करना है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वर्चुअल माध्यम राही कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया। उन्होंने कहा कि सरकार साल 2025 तक भारत में टीवी मुक्त बनाने काम कर रही है। कॉन्फ्रेंस वक्त राज्यों के सेहत मंत्रियों ने भी शिरकत की।